हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में। मर्ज सॉर्ट को टू वे मर्ज सॉर्ट भी कहते हैं। ओके सर, मर्ज सॉर्ट मींस इसमें दो एरे होगा, जिसमें दो एरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसको हम लोग मर्ज करेंगे एक एरे में, लेकिन दोनों ही एरे को पहले हम लोग सॉर्ट करेंगे, उसके बाद उस सॉर्टेड एरे से सॉर्ट करते हुए उन वैल्यूज़ को एक नए एरे में स्टोर करेंगे। जैसे कि दो एरेज है ये, ठीक है, इनमें पाँच पाँच का साइज होगा दोनों का, इसलिए इनमें पाँच एलिमेंट्स स्टोर हैं। ठीक है, ये पहला एरे है आपका जिसमें कि स्टोर है 11, 2, 9, 13 और 57। ये दूसरा एरे होगा जिसमें कि 25, 17, 190 और 3 स्टोर है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है इस मर्ज सॉर्ट को परफॉर्म करने के लिए कि इन दोनों एरे को आप किसी भी सॉर्टिंग का तरीका लगाकर सॉर्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सॉर्ट किया, और आपके पास चूंकि दोनों को सॉर्ट करने के बाद आपको मर्ज करना है, इसीलिए आपके पास एक 10 एलिमेंट्स वाला एक एरे होना चाहिए। बिकॉज आप इसको सॉर्ट करते हैं, आप सॉर्ट करने के बाद इसको आप कहीं तो स्टोर करेंगे ना, तो स्टोर करने के लिए एक एरे चाहिए आपको। तो आपके पास एक 10 एलिमेंट्स का एरे होना चाहिए, 10 एलिमेंट्स का। इसको हम लोगों ने सॉर्ट किया यहाँ लिखा, इसको हमने सॉर्ट किया यहाँ लिखा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या, हमारे पास दोनों एरे का सॉर्टेड लिस्ट है और इन दोनों को हम लोग इसमें स्टोर करेंगे मर्ज करके, लेकिन मर्ज करते हुए इनको सॉर्ट भी करना है। ठीक है, और एक सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास ये यहाँ होना चाहिए। ओके, तो इसको कैसे करते हैं, इस सॉर्टिंग मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस एरे का जो कि सॉर्ट किया गया है इस एरे से, इस एरे के फर्स्ट यानी कि अगर एरे की एरे जो कि हम लोग कहते थे जीरोथ एलिमेंट को कंपेयर करते हैं इसके जीरोथ एलिमेंट से, जो जिसका वैल्यू कम रहेगा वह वैल्यू यहाँ चलाएगा 1। जैसे कि इन दोनों में से कंपेयर करने के बाद हमें चलता है कि इसका वैल्यू कम है, तो लेस देन 1 इज़ लेस देन 2, तो 1 यहाँ आएगा। ठीक है, यानी क्लियर है। अब आगे यहाँ 1 है हमारे पास, अब हम लोग क्या करते हैं, ये इस 2 को कंपेयर करेंगे 3 से, क्योंकि 1 तो यहाँ आ चुका है, अब 1 से कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं है, 1 वहाँ अब नहीं है। तो 2 और 3 को हम लोग कंपेयर करते हैं, 2 और 3 में कौन सा वैल्यू छोटा है, 2 इज लेस देन 3, तो 2 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। कितना क्लियर है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट में 2 तो आ चुका है, अब 9 और 3 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि 3 अभी भी है, तो 3 को कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों कंपेयर करने से हमें पता चलता है कि 3 इज लेस देन 9, तो 3 को अब हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब 9 को कंपेयर करेंगे और 3 को हम लोग ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, तो अब हम लोग 17 को कंपेयर करेंगे, दोनों को देखेंगे कौन दोनों में से कौन सा कम है, 9 कम है तो 9 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट, बिल्कुल वही प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। ठीक है, 9 हो चुका है, अब 11 होगा और 17 कंपेयर होगा, दोनों में से कौन सा छोटा है, 11 है, तो 11 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट, फिर वही प्रोसेस है, 11 हो चुका है, 13 को और 17 को कंपेयर करेंगे, दोनों से छोटा कौन है, 13 है, तो 13 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट, 13 हो चुका है, 57 और 17 कंपेयर करेंगे, तो 17 छोटा है, 17 को यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट, 57 और 25 को कंपेयर करेंगे, तो 25 छोटा, 25 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट, 10, फिर 57 और 90 को कंपेयर करेंगे, दोनों कंपेयर करने से पता चलता है कि 57 छोटा था, 57 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। देन फाइनली हम लोग 90, एक हमारा बच जाता है सिर्फ, तो 90 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। और इस तरीके से हमें एक सॉर्टेड लिस्ट प्राप्त होता है दो सॉर्टेड एरे से, या फिर दो सॉर्टेड लिस्ट से। ओके, सो इस तरीके से टू वे मर्ज सॉर्ट वर्क करता है। इसका हम लोग प्रोग्राम भी देखेंगे अगेन वाले वीडियोज़ में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।